शहडोल में त्योहार आते ही शहर की सड़क पर शोरूम संचालकों का कब्जा देखने को मिल रहा है, जिसमें सड़क सकरी होती जा रही है। त्योहारों में लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब एसडीएम ने एक्शन लेते हुए तत्काल अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया है। पांच दिवसीय दीपावली का पर्व पास आते ही दुकानदारों द्वारा एवं ऑटो संचालकों ने सड़क एवं फुटपाथ पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। संबंध में एसडीएम सुहागपुर अरविंद शाह ने तत्काल एक्शन लेते हुए सड़क से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शोरूम संचालक यह भी सुनिश्चित करे कि यातायात में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो, ऐसा होने पर दुकान संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शहर के इंदिरा चौक से लल्लू सिंह चौक के बीच करीब एक दर्जन से भी ज्यादा व्हीकल शोरूम है, जो आमजनों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर कब्जा कर टेंट लगाकर बाइक एवं कार सजा देते हैं। पहले तो बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली की। शिकायतें आई हैं हमारे पास, डीएसपी यातायात के तरफ से भी आया था कि जो दुकानें हैं उनकी वजह से यातायात प्रभावित होगा, फुटपाथ प्रभावित होगा। तो उस संबंध में संज्ञान लेते हुए हमने जितने भी शिकायतें आई थी यातायात के विभाग की तरफ से, उन सभी को नोटिस जारी कर दिया है और हमने निर्देशित कर दिया है कि उन्हें सुनिश्चित करें कि यातायात प्रभावित ना हो, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए उपयुक्त रहे। इस संबंध में हमने निर्देश भी जारी कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से दोनों को ही निर्देश हमने देना है कि इसका पालन कराएं। और रही बात, तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि भाई एक विक्रेता और क्रेता के बीच हम बीच में आए तो उनकी दुकानें चलें, लेकिन साथ में ही आमजन को समस्या ना हो, इसका प्रयास। जाहिर सी बात है कि त्योहार में सड़कों पर काफी भीड़ होने से कई लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी नगर पालिका को उठानी थी, वह जिम्मेदारी यातायात विभाग उठा रहा है। शहडोल से अशोक तिवारी की रिपोर्ट।